नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपना गांव आया हुआ हूं। ये गांव मेरा डोंगरगढ़ से 13 किलोमीटर दूर खैरागढ़ रोड में ढारा है। ये मेरा खेत है, धान का फसल लगा हुआ है। इसमें बहुत दिन हो गया, 2 महीने से लगा है, बारिश ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब ऐसी बारिश हो रही है कि मैं गांव में ही फंस गया हूँ। सब नदी नाले फूल हैं, बस रूट पे चल नहीं रही है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। 2 महीने की इंतज़ार था इस बारिश का। पहले ये मोटर के भरोसे चल रहे थे। ये एक 1 HP का मोटर है जो कुआं में लगा हुआ है। मेरे खेत में बोर नहीं है, आपको दिखाते हैं आगे चल के। अभी तो पानी लबालब हो रहा है, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दो तीन साल बाद तो ऐसे बारिश हुई है, पहले तो 2 साल तक तो सूखा ही था। ये मोटर के भरोसे खेती हो रहा था। ये देखिए, ये पूरा भर गया, लबालब हो गया है। इससे और दूसरे लोगों को खेत में भी जा रहा होगा पानी। ये देखो, ये इतना लंबा पाइप लेके आना पड़ता है हमको। बरसों बाद ऐसी बारिश हुई है, नहीं तो ये बारिश नहीं होती तो कुआं भी सूख चुका था। कुएं से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये देखिए, यहाँ पे है कुआं। इस कुएं के पानी को इतना गहराई में है अभी भी देख सकते हैं। ये कुआं लगभग खाली है। अब देखो, बारिश आई है तो इसमें पानी आने लग जाएंगे। ये खेत है, ये धान, वैसे ये अब पानी भरने के बाद ये धान थोड़ा ऊपर उठेगा, नहीं तो अभी तक तो भगवान भरोसे था। जो कुआं का पानी है उसी से चल रहा था। जो भी इस पे बहुत काम अभी निंदाई वगैरह कराना पड़ेगा। ऐसी बारिश पहले हो जाती तो अभी धान कुछ और ही स्थिति में रहता है। खैर, देर से हुआ लेकिन हुआ। ये हमारा खेत है, ये अंतिम सिरा है इसका। यहाँ मेरे खेत से लगा हुआ एक छोटा सा तालाब भी है, वो भी सूखा था, उसमें भी पानी आ गया है। अब देखते हैं, अब दिखाते हैं तालाब। ये देखो, छोटा सा है तालाब, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें भी पानी आ गया है। अब कुआं में पानी आ जाएगा। ये वाला धान देखो, गहराई में है ये खेत, तो इसका धान, ये वाला धान जो है अच्छा दिख रहा है, एकदम ग्रीन, बढ़िया, मस्त। ये तालाब का पार है, इसमें हम लोग राहर, तिल, ये सब लगा देते हैं, इसकी सफाई करा के।
ये खेत है पानी से भर गया है लबालब। अब सही हालात है इसकी, अब ये पानी को हम लोग कम से कम हफ्ते भर तक तो बिल्कुल भरे ही रहने देंगे। पानी के बिना तो कुछ होना नहीं है, धान की खेती पानी ही मांगता है। ये पूरा खेत जो है मेरे घर से लगा हुआ है, हम लोग को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता इसकी देखरेख करने। पूरा लबालब भर गया है पानी से, बहुत खुशी हुई ऐसा देख के। बारिश तो लगातार दो दिन से हो रही है, अब खबर आ रही है कि स्कूल कॉलेज भी बंद होने वाला है हमारे एरिया का। ये खेत है, आज बारिश के कारण काम करने वाले लोग भी नहीं आए, बहुत तेज बारिश हुई है आज। यहाँ पे ये एक मोटर यहाँ से पानी दे रहे हैं, इस वाले खेत में जा रही है यहाँ से पानी। ये है, ये देखिए एक मोटर है यहाँ पे, इसकी पानी इस खेत में जा रही है ये वाली। हाँ, ये आज आपको हम अपना पूरा खेत घुमा देते हैं। नहीं मत कर। ये पूरा खेत जो है मेरे घर के पीछे ही है, हमको इसके देखरेख करने में ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। बस थोड़ा पानी सही हो जाए, कुआँ भर जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सामने दिख रहा है वो मेरा घर है, वाइट कलर का दिख रहा है वो, ये जो सामने से। और ये बगल में यहाँ पे एक और कुआँ है, उसको भी आपको मैं दिखाता हूँ उस कुएँ को। तो दोनों कुएँ से पानी लेते हैं हम लोग, उसमें भी एक पंप फिट है। ये घर है अपना, ये चलो आपको एक और कुआं दिखा देता हूँ। ये कुआं जो है बहुत पुराने समय से है इस खेत में। ये जो पाइप है इस कुएं से ये आया हुआ है, ये फट गया है यहाँ पे पाइप। ये कुआं है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक और कुआं है अपना, इसमें भी पंप लगा है।
बस अब इतना ही से है अपना खेती बाड़ी, इतने कोई संभालने में परेशानी हो जाता है। भिलाई से आओ, फिर गाँव में देखो, ये करो।